नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल चौधरी महिपाल इंटीरियर डेकोरेटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो का शीर्षक है चारकोल लूअर्स को कैसे पेस्ट किया जाता है, वो आपको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चारकोल पट्टी को उल्टा करके उसके ऊपर डबल सिलिकॉन टेप लगाया जाता है। और वो सिलिकॉन टेप इसलिए लगाया जाता है कि 2 mm का चारकोल और बेस के बीच में गैप रहे और सिलिकॉन की जो पेस्टिंग है वो सब जगह से एक सरके आए। और फिर सिलिकॉन गन से धीरे धीरे आप सिलिकॉन लगा सकते हैं। जिस तरीके से इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप कि सिलिकॉन को लगाएं, किनारों से सिलिकॉन थोड़ा कम लगाएं क्योंकि सिलिकॉन बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये जो LCD यूनिट का जो पैनल है, वॉल पैनलिंग की हुई है, यहाँ पे इस पट्टी को धीरे से टच कर दिया है। फिर धीरे धीरे इसे हल्के हाथों से दबाएं। इसको नहीं कोई PVC फेविकॉल की ज़रूरत रहती है, नहीं इसमें मास्किंग टेप की ज़रूरत रहती है, नहीं इसमें बारीक वाले कील मारने की ज़रूरत रहती है। बहुत ही इजी और कम समय में काम होने वाला तरीका है ये। और आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे एक के बाद एक पट्टी लगती है, LCD पैनल बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अभी ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है, हर जगह हमने इस चारकोल लूअर का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ साथ एक लूसो नाम का चारकोल पैनल आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लूसो का फुल डिटेल वाइज वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो थोड़ा उसको समय है, वहां पे कलरिंग का काम शुरू है, सो थोड़ा सा लेट है ये। और आप देख सकते हैं 3 पट्टी यहां पे लग गई है। और ये सिलिकॉन टेप की जगह पे डबल ग्लू वाली एक फोम टेप आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर मैंने साइडों पे देखा है कि लोग जो चारकोल को लगाते हैं तो वो PVC फेविकॉल से ही लगाते हैं, और मैंने भी PVC फेविकॉल से बहुत जगह चारकोल को लगाया है। लेकिन उसमें होता क्या है कि PVC फेविकॉल से जब अपन चारकोल को लगाते हैं तो थोड़े बहुत दाग धब्बे बाहर के बेस को लग जाते हैं, उससे कभी शार्प नहीं होता, क्योंकि ये चारकोल बहुत ही सेंसिटिव आइटम है। इसको नहीं फेविकिक एरल्डाइट या ऐसा कोई भी जो केमिकल वाला जो प्रोडक्ट है वो उसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिलिकॉन पूरी तरह से वेदर प्रूफ आइटम है, जो बरसात के मौसम में भी उसको लूज़ नहीं होने देता है, और गर्मी का मौसम भी रहा तो ज़्यादातर मैंने हर जगह अभी देखा है कि सिलिकॉन से चारकोल लगाया जाता है। एक पट्टी को चिपकाने के लिए करीब आधी ट्यूब सिलिकॉन की लग जाती है। उसमें भी जो सिलिकॉन जो सबसे अच्छी कंपनी का है वो 789 का हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं, और 3M की मास्किंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा एक साइड पहले टेप लगाई, फिर उसके ऊपर ये सिलिकॉन डाल दिया, ऊपर का जो इसका पेपर है वो धीरे धीरे निकाल लें। और ये काम करते समय बस केवल इतना ही ध्यान रखना है कि सिलिकॉन हाथों को नहीं लगे, क्योंकि जो इसका जो फ्रंट भाग है वहाँ पे अपने काले जो दाग धब्बे हैं वो हाथों की वजह से पड़ते हैं, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जहाँ पे ये चारकोल पैनल जो है वो ज़्यादा सफ़ेद आते हैं तो वहाँ पे हाथों में ग्लव्स पहन के लगाते हैं। ये एक साइड पूरी तरह से फाइनल हो गई है, अब देखते हैं ये पूरा कैसा दिखता है। ये दूसरी साइड भी फाइनल हो गई। इधर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए उसके लिए हमने इसको बीच बीच में से एडिट कर दिया है। और जब इसको जूम करके देखते हैं नज़दीक से तो बहुत ही ये प्यारा दिखता है। पहले लोग क्या करते थे कि ये जो ऐसे लूअर्स बनाने के लिए बीडिंग पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, और बीडिंग पट्टी को बहुत सारे खिल्ले मारने पड़ते थे, बीच का जो गैप है वो भी बराबर नहीं रहता, और उसको पॉलिश मेंटेनेंस बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया हो जाती थी। और ये एकदम सीधा सीधा काम है,
तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।